राजस्थान और गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैसे माउंट आबू पहुंचना है और वहां पर कौन कौन सी जगह घूमनी है और आपको कितना खर्चा आएगा। दोस्तों वैसे तो माउंट आबू अगर आप दिल्ली या एमपी से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीक जो पड़ता है वो है आपका उदयपुर। उदयपुर माउंट आबू का एक तरीके से गेटवे है। उदयपुर से 160 किलोमीटर दूरी पर माउंट आबू स्थित है, तो यहाँ आप उदयपुर से जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो आबू रोड सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड है। माउंट आबू के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। तो अगर आप कहीं भी आ रहे हैं, दिल्ली से या एमपी से आ रहे हैं, तो आप पहले उदयपुर आ जाइए, यहाँ से आगे की आप अपनी प्लानिंग कीजिए। लेकिन आज मैं आपको एक एग्जाम्पल बता के ये बताऊंगा कि अहमदाबाद से या गुजरात से आप आते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा और कैसे यहाँ पहुँचे। दोस्तों आपको इस साइट पर जाना है, india.info/travel। ये एक साइट है जो कैलकुलेटर है और बताती है किसी जगह घूमने पे आपका कितना खर्चा आएगा। मान लीजिए आप आते हैं अहमदाबाद से और यहाँ सेलेक्ट करते हैं आप माउंट आबू। तो जैसे ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको, आप नीचे आएंगे इधर साइट पे, तो बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, ट्रैवल, फूड, होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, एडवेंचर। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सिंगल, कपल, फैमिली और कितने दिन के लिए आ रहे हैं। मान लीजिए आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो सारा ये कैलकुलेटर आपको 2 दिन का खर्चा बताएगा कि 2 दिन घूमने फिरने में कितना खर्चा आएगा। तो पहले आप सेलेक्ट कर लें ट्रैवल मोड। ट्रैवल मोड में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अपनी खुद की कार, बस, फ्लाइट और ट्रेन। जैसा मैंने बताया कि माउंट आबू में ना तो कोई रेलवे स्टेशन है माउंट आबू पर्टिकुलर में, और न ही कोई एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट से आप, फ्लाइट से तो आप छोड़ दीजिए, फ्लाइट से माउंट आबू आ पाना आपके लिए वायबल नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी खुद की कार, बस या ट्रेन से आ सकते। ट्रेन से लास्ट स्टेशन आबू रोड है, आबू रोड से आप खुद दूसरी गाड़ी करके आ सकते हैं। खुद की कार से आप आते हैं तो आपके 1200 रुपये लगेंगे अगर अहमदाबाद से आ रहे हैं, 3.5 घंटे का सफ़र है। बस से आ रहे हैं तो ये अलग अलग प्रकार की कॉस्ट है। डायरेक्ट बस है अहमदाबाद से, जनरल बस में इतना, एसी स्लीपर में आते तो 600 रुपये। तो आपने मान लीजिए बस की कॉस्ट सेलेक्ट की तो यहाँ पे 600 रुपये आपका आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप अगर चाहें तो ट्रेन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आती है उसके बाद खाने की बात। किसी भी जगह पर जाते हैं तो आपका दिन भर का खाना की कॉस्ट होती है। माउंट आबू में अगर आप जाते हैं तो वेज खाने की दिन भर की आपकी 350 रुपये की कॉस्ट एक दिन की आएगी। और अगर आप नॉन वेज हैं तो आपकी 700 रुपये की कॉस्ट आएगी। तो ये इस ढंग से कैलकुलेटर, जैसे इसमें ने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, 1300 रुपये अभी तक आपके लगेंगे। उसी प्रकार कहीं पर रहने की, ये रहने की भी कॉस्ट यहाँ पे बताता है कि अगर आप एक बजट होटल लेते हैं तो 1500 रुपया पीक सीजन में। ऑफ सीजन में यही जाते हैं तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप सीजन में जाते हैं, सीजन यानी कि गर्मियों के टाइम में, या फिर जब एकदम से छुट्टियाँ हैं और 3-4 दिन की लगातार छुट्टियाँ हैं, उस टाइम पर 1500 रुपया ये कॉस्ट, इकोनॉमी लेते हैं 3000 रुपये की कॉस्ट। तो इस ढंग से ये आपकी बजट कैलकुलेटर 4300। अब इसी तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, कहीं घूमने जाते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट, यानी आप माउंट आबू बस से पहुंच गए। अब माउंट आबू आप जाएंगे तो माउंट आबू के आसपास आप साइट सीइंग करेंगे, क्योंकि आप गए हैं तो आप 10 जगह घूमेंगे देखेंगे। तो साइट सीइंग घूमने की भी एक कॉस्ट होती है जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं जब हम अपना बजट प्लान करते हैं। तो यहाँ पर टैक्सी ऑटो तो चलता नहीं है, टैक्सी चलती है। टैक्सी की कॉस्ट 1000 रुपये पर डे, आप ये मान के चलिए इतनी वहाँ पर आपकी लगेगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, वहाँ पर बाइक भी मिलती है, बाइक भी आप रेंट पर ले सकते हैं, तो बाइक से भी आप जा सकते हैं। तो ये बाइक से भी लगभग बाइक से इससे थोड़ा सा कम लगेगा आपको। तो इस प्रकार से आपकी 1000 रुपये की ये कॉस्ट होगी। तो 1000 रुपये ये लग गया आपका दोस्तों। अब आती है एडवेंचर एक्टिविटी। एडवेंचर एक्टिविटी मतलब आप कहीं पर जाएंगे, वहाँ पर हॉर्स राइडिंग करेंगे, वहाँ पर आप फोटोग्राफी करेंगे, लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाएंगे, तो ये एक कॉस्ट होती है हर जगह पर। तो आप इन सब में खर्चा करेंगे तो 400 रुपये इसकी एवरेज कॉस्ट लगती है माउंट आबू में। कई ऐसे पॉइंट हैं वहाँ लोकल ड्रेसेस में आप फ़ोटो खींचेंगे और बाइनाकुलर से आपको देखना है, क्योंकि कई जगह टॉप हैं, तो ये कॉस्ट आप मान के चलिए, तो इतनी आपकी रहती है। तो ये अभी तक आपकी 5700 रुपये कॉस्ट आ गई। तो दोस्तों ये थी, आप वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, क्या क्या आपके होटल,
जाने खाने और एडवेंचर एक्टिविटी की ये कॉस्ट। अब बात आती है कौन कौन सी जगह हैं आपको माउंट आबू में घूमना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो ये साइट में सारी वो जगह लिस्ट होती है और इन जगहों में घूमने के या अंदर जाने के क्या क्या प्राइसेस होते हैं वो भी ये साइट बताती है। तो जैसे माउंट आबू में सबसे जो एक खूबसूरत मंदिर है वो है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। बहुत पुराना मंदिर है ये। इस मंदिर की नक्काशी बहुत खूबसूरत है, यानी जो अंदर के डोम बने हुए, अंदर के पिलर बने, हर पिलर पे एक अलग अलग तरीके की आपको नक्काशी दिखेगी। और भव्य और बहुत ही विशाल मंदिर है। पूरा मंदिर सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है, संगमरमर का बना। तो अंदर अगर आप गर्मियों में भी जा रहे हैं तो मंदिर के अंदर बहुत ठंडा रहता है और आराम से आप 2 घंटे, 1-2 घंटे इसके अंदर बिता सकते हैं, मंदिर के अंदर बिता सकते हैं। और इस मंदिर का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है और बहुत पहले से, पुराने ज़माने से ही इस मंदिर को माना जाता रहा है। तो यहाँ आप जा सकते हैं। तो इस मंदिर में अंदर जाने की कोई प्राइस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप जा सकते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी अरावली हिल्स पर भी ये सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ से पूरे माउंट आबू का व्यू दिखता है, बहुत ही शानदार व्यू है। और जहाँ तक गाड़ी जाती है पहाड़ी की टॉप पे, उसके बाद 100 मीटर की आपको लगभग सीढ़ियाँ चलनी पड़ेंगी। सीढ़ियाँ चल के ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ पे दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, 2 मंदिर है, हनुमान जी का भी वहाँ पे मंदिर है। और खाने पीने की स्टॉल्स लगी हैं आसपास, तो आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, जा सकते हैं। और सीढ़ियाँ थोड़ी चढ़नी पड़ेगी दोस्तों आपको, 100 मीटर की सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों की जो ऊंचाई है वो भी एकदम स्टीप है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो और लेकिन ऊपर से बहुत ही शानदार व्यू दिख, पूरी माउंट आबू सिटी दिखती है। उस साइड को आपको गुजरात का व्यू दिखेगा, यहाँ राजस्थान का व्यू दिखेगा, और ये रास्ता भी बहुत ही सीनरिक है। तो अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बाइक रेंट पे ले लें और बाइक से जाएं। आपकी खुद की कार भी हो वो भी आप माउंट आबू पर रखते हैं, अपनी बाइक से जाएं, क्योंकि कई जगह ये पहाड़ी की चोटी होती है, रास्ता बहुत ही नैरो होता है, तो ड्राइविंग में भी दिक्कत आती है, तो आप ये ले जा सकते हो। तो ये जगह बहुत अच्छी जगह है, यहाँ जरूर जाएं आप, और इसकी कोई प्राइस नहीं। इसके अलावा आप जा सकते हैं अचलगढ़ किला। ये माउंट आबू से आगे है, यानी गुरु शिखर और दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है उससे और आगे जाएंगे आप, 11 किलोमीटर की दूरी पे है ये शिखर। ये यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। आचलगढ़ फोर्ट तो बहुत पुराना किला है, ये 14वीं शताब्दी में बना हुआ किला है। बीच में ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन अभी फिर से इसको रिस्टोर कर लिया गया है। और इसके आसपास बहुत ही सीनरी का, यहाँ आप आराम से पुराना हेरिटेज, किले की बनावट, संरचना, ये सब देख सकते हैं। किले के अंदर जाने की भी कोई प्राइस नहीं, ये देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जा सकते हैं, जैसे कि हर हिल स्टेशन में होता है, माउंट आबू में भी एक सनसेट पॉइंट है। तो इसका सनसेट पॉइंट की खास बात, ये बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ से आप सनसेट देख सकते हैं। बहुत ही शानदार सनसेट रहता है, आकाश के अलग अलग रंग कुछ ही मिनटों में रंग बदलते हैं, तो मंत्रमुग्ध कर देने वाले जो सूरज की किरण है, रंग, ये सब आपको देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे छोटी सी जगह है दोस्तों, ये सनसेट पॉइंट जो है वेस्ट में, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो 1 घंटे पहले जाके अपने लिए एक जगह है वहाँ पर ढूंढ लें, वरना अचानक से बहुत भीड़ आती है, आपको कुछ दिखेगा नहीं। और अपने साथ बायनाकुलर अगर आपके पास हो तो वो ले जाएं, और कैमरा जरूर ले जाएं। फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट जगह ये है। और आसपास खाने की स्टॉल्स हैं, तो आप खाना आना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, पर जरूर 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। सनसेट का जो टाइम है उससे 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। इसके बाद आप जा सकते हैं यही जो दिलवाला जैन मंदिर है, इसी से थोड़ा सा आगे दूरी पर एक टियोर्स टैंक करके जगह बोलते हैं उसको, तो एक छोटी सी बीच में झील है। और अगर आप नेचर लवर हैं, जंगली जानवरों को देखना चाहते हैं, तो ये जगह बेस्ट है, आपके पूरे पैसे वसूल हैं, यहाँ जरूर जाएं। यहाँ पे आपको मगरमच्छ दिखाई देंगे धूप में आराम करते हुए, और यहाँ पे लोमड़ियाँ, चीता और जंगली जानवर, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम में ये जगह शुष्क हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे पानी पीने आते हैं जानवर। और चांसेस हैं कि आपको हिरण, लोमड़ी और ये सब यहाँ पे दिखाई देंगे। और थोड़ा सा दूरी बना के रखें जंगली जानवरों से, अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो दूर से ही करें। तो जरूर जाएं इस जगह में, बिल्कुल शांति, पिन ड्रॉप साइलेंट। ये जगह उतनी फेमस नहीं है,
यहाँ पे सारे लोग नहीं जाते, लेकिन अगर आप नेचर के लवर हैं जरूर यहाँ पे जाएं। इसके अलावा दोस्तों माउंट आबू में जो सबसे खास बात होती है, यहाँ की शाम बहुत ही सुहावनी होती है। यानी शाम को सनसेट होते ही हवाएं चलने लगती हैं ठंडी ठंडी, और बाजार में रौनकें आ जाती हैं चारों तरफ, क्योंकि माउंट आबू बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है। यानी आधे किलोमीटर में पूरी मार्केट है, तो आप शाम में कम से कम 8 या 10 चक्कर उस जगह के लगा लेंगे। तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, घूम सकते हैं। नक्की लेक और जो रोड है आबू माउंट आबू रोड, शॉपिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हैं, मार्बल के कुछ आइटम्स खरीद सकते हैं, ले जा सकते हैं। और तो आपकी शाम, ये मानिए आप सनसेट 7 साढ़े 7 बजे से लेके 11 बजे तक का समय आप यहाँ बिताएं। यहीं आप काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स रहते हैं, वहाँ पर जाके आप खा सकते हैं, और बहुत अच्छा रहता है घूमना फिरना, सारे लोग रहते हैं, और गाड़ियों का चलना भी बंद कर देते हैं यहाँ पर शाम के समय में। यानी 7 साढ़े 7 बजे के बाद से जब बिल्कुल सनसेट अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद 11 बजे तक 9 बजे तक यहाँ पे गाड़ियों का चलना बंद कर देते, तो ज़रूर आप इसका आनंद उठाएं। नक्की लेक, माउंट आबू गए हो और नक्की लेक पे बोटिंग ना की हो, तो आपकी माउंट आबू यात्रा पूरी नहीं हुई है दोस्तों। छोटी सी नक्की लेक है, छोटी भी नहीं कह सकते हैं, पर जैसे बड़ी लेक उदयपुर में जितनी बड़ी झील है उसकी तुलना में ये छोटी है, यहाँ के हिसाब से काफ़ी बड़ी लेक है। और यहाँ पे पैडल बोट्स और बहुत सारी बोट्स रहती हैं। जो झील के किनारे वाला इलाका है, जो एंट्रेंस है, वो बहुत सुंदर है। वहाँ पे एक पार्क बना हुआ है, खाने के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और झील के बीच में भी एक बोट हाउस टाइप का रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं। तो आराम से यहाँ पे आप शाम के समय बोटिंग कर सकते हैं, या फिर सुबह के टाइम पे भी बोटिंग कर, तो 2-3 घंटे बहुत आराम से आपके यहाँ पे निकलेंगे। शाम को बहुत ठंडी हवा चलती है, और पार्क है वहाँ पे, तो बच्चों के बैठने के लिए खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे 100 रुपये प्राइस है। उसके अलावा आपने ब्रह्म कुमारी आश्रम सुना होगा, माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आश्रम का हेडक्वार्टर है। जो भी टीवी में ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम्स आते हैं, कई सारे प्रोग्राम यहीं से आते हैं, और बहुत बड़े इलाके में ये ब्रह्म कुमारी आश्रम फैला है। बहुत ही शांति है यहाँ पे, इसके सोच चलते हैं, हर 10-10 मिनट के सोच चलते हैं, हर 10 मिनट में वो आपको बताते हैं, जीवन का कुछ ज्ञान देते हैं। और यहाँ पे सब काम करने वाले भी वॉलंटियर्स होते हैं, आने जाने वाले लोग वॉलंटियर्स होते हैं। आप कुछ किताबें यहाँ से खरीद सकते हैं, और चाहे वहाँ पे पार्क है और बैठने के लिए है, कई बहुत ही शांत जगह है, बहुत शांत है। तो आराम से आपका आधे से 1 घंटा यहाँ पे बीत जाएगा। उसके अलावा भी आप यहाँ पे अपना समय या वॉलंटियर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी जगह है जिसको बोलते हैं टोड रॉक। ये जो नक्की झील है, नक्की झील से 60 मीटर की ऊंचाई पे पास में ही है, वहाँ पे ये है। तो थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ जाने के लिए, और थोड़ा जंगल का रास्ता है। तो आप अकेले हों, 2 लोग हों तो एकदम से मत जाइए, 3-4 लोग हों तो ग्रुप में जाइए, क्योंकि जंगल है यहाँ पे, जंगली जानवर रहते हैं माउंट आबू में, तो ग्रुप में आप जाइए। और ये जैसा कि इसके नाम से ही है, ये टोड के यानी मेढक के आकार की कुछ कुछ हो गई है ये झील। तो ऐसी झील ऐसी सॉरी ऐसी जो चट्टानें होती हैं बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे कि इसका जो आकार है, क्योंकि और ये जो आकार है ये बदला हुआ है, यानी ये मौसम के साथ साथ कई सालों में इस चट्टान का आकार बदल गया है। तो बहुत ही सीनरी के यहाँ से पूरी माउंट आबू जो झील है उसका नज़ारा बहुत शानदार दिखता है। माउंट आबू झील से ये 60 मीटर ऊंचाई पे है, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। पर दोस्तों एक मेरी अपील है, आप इस जगह पे जाएं तो यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, क्यों अभी जो इस जो चट्टान है इसके आसपास टोड रॉक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने बोतलें फेंकी हुई हैं, या कुछ ना कुछ फेंक रखा है, डस्टबिन सरकार ने भी यहाँ पर डस्टबिन वगैरह कम लगाया या है ही नहीं, तो ये सब ना करें ये, क्योंकि जगह हमारे लिए, हम लोग यहाँ घूमने जाते हैं, तो आप ये सब ना करें। आप जगह जा सकते हैं जिसको बोलते हैं पीस पार्क। ये जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है, उन्होंने ही इस पार्क को बना रखा है, बहुत ही शांत, बहुत ही नीट एंड क्लीन, इतने अलग अलग प्रकार के फूल, पेड़, गार्डन्स की कटिंग, और बहुत ही अच्छी से है एक। पर यहाँ पे आप दोस्तों फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए छोटी छोटी राइड्स हैं वो ले सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्रह्म कुमारी के लोग होते हैं वो आपको
भगवान आध्यात्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। 10-10 मिनट के यहाँ पर भी लेक्चर होते हैं, वो बताते हैं। तो आराम से यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा आप यहाँ पर बिता सकते हैं। गुरु शिखर को जाते हुए ये एक जगह है, वहाँ पर आप जाके जरूर रुकें यहाँ पर। और तो दोस्तों ये था माउंट आबू, कहाँ घूमें, कैसे कैसी जगह जाएं और कैसे जाएं उसका। और जैसा मैंने बताया कि हिल स्टेशन में आपको देखने के लिए जो जगह होती है उनका कोई प्राइस नहीं होता या बहुत कम होता है, आपके सिर्फ पैसा लगेगा ट्रैवल करने में, यानी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो मैंने पहले भी बताया आप बाइक से आप ट्रैवल करें सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये साइट अगर आप 2 दिन के लिए, कोई एक आदमी जा रहा है, तो माउंट आबू में आपका खर्चा बता रही 5,830 रुपये अहमदाबाद से आप जा रहे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई क्वेरीज हो, आप इसको शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे साइट में शेयर के बटन है, व्हाट्सएप, आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं इसको, गूगल प्लस कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं इसके बारे में, कितना खर्चा लगेगा, क्या लगेगा, तो आप ज़रूर करें। और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।